क्लास नंबर सिक्स. टुडेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लास नंबर सिक्स, लास्ट क्लास ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑलमोस्ट अपने को सब समझ में आ चुका है, बातें तो खत्म करनी है, बस अब वाइंड अप करनी है. तो आपको मैं बता दूं, आज का क्लास इज टोटली मतलब अ बिट ऑफ मिसलेनियस बोल लो कि यार छोटे मोटे बात जो बच गए वो आज करने हैं और टॉपिक को खत्म करने हैं. तो भैया इतना इंपॉर्टेंट होगा क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जो कंटेक्स्ट पड़ा हुआ है उसी से रिलेटेड बात करेंगे. पहले बताइए लास्ट क्लास क्या किए थे, एक बार एक क्विक रिवीजन. WACC याद आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अपने मिलाए थे कि यार कैसे पूरा कंपनी का वेटेड एवरेज पता चलता है या उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चलता है. फिर क्या किए थे बताइए वेटेड एवरेज के साथ? एक KR वाला पॉइंट पढ़े थे क्या? कुछ बताया था क्या हम आपको KR क्यों अलग होता है KE से? हम बताया था क्या? हम आपको सिर्फ इतना बोला अलग हो सकता है, कब होगा वो आज बताऊंगा, कब होगा वो आज बताऊंगा. बाकी तो अपने कर चुके. और क्या बचा? और कुछ क्लास किए थे कि सिर्फ WACC पे माथा फोड़े थे? सिर्फ WACC पे माथा फोड़े थे और उस हिसाब से अपने एक सम होमवर्क दिए थे. कौन सा नंबर आप मेरे को बता सकते हैं? 12. ओके, क्या 12 नंबर आपसे बना? एक बार WACC बोलोगे? 11.81. जितना लोग किए हैं 11.81 आना चाहिए. इट्स वेरी इजी सम्स. टोटल करना है, वेट्स निकालना है, इनटू करना है आंसर. 11.81 आसान सवाल. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. एक बार आप मेरे को बस बताएंगे बाबू लोग कि अपने कौन सा सवाल कर चुके हैं और कौन सा होमवर्क दिए थे, ताकि आज अपने जितना काम का और सवाल है वो कंप्लीट करे, वर्क फिनिश करना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 होमवर्क था. 13, 14. अच्छा 16 भी एक तरीके से कर ही लिए, सिर्फ बता दिए ना उसमें क्या करना होता. ठीक है, मतलब मोटा मोटी अपने वो इनिशियल जो सम्स होते हैं जो CA वाले के लिए स्टार्टर्स होते हैं वो अपने खा लिए. तो मतलब ठीक है, अपने जितना करना चाहिए उतना कर लिए. ऑब्वियसली पीछे पीछे वाले सवाल थोड़े लेंदी हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी उसमें से इक्का दुक्का अपने मालूम है. हम बदतमीज यार, आप लोग भी बदतमीज हो तो करके जाएंगे, क्या दरकार है. तो अपने लोग 2-3 जो सवाल और बन सकता है वो करेंगे, बाकी तो और कुछ करना नहीं है. अभी टॉपिक का हेडिंग देंगे. लास्ट हेडिंग क्या था? पॉइंट नंबर 8 था WACC. पॉइंट नंबर 8 था WACC. आज पॉइंट नंबर 9 देंगे और लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आज एक नया हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर 9, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये पढ़ाने में हमको 2 मिनट लगता है, पर एक बार सुन तो ले क्या है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्जिनल? एनीवन? बचपन में पढ़ा हुआ है फॉर वन एक्स्ट्रा, हमेशा यही पढ़ते थे यूनिट. यहां पे भी वही मतलब है. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट डू मीन बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कोई समझा सके हमको कुछ कि भैया ये बोल रहा होगा टॉपिक? मैं बताऊं, कंपनी में ऑलरेडी कुछ फंड्स थे, कंपनी को और फंड्स लाना है, तो जो और फंड्स लाना है उसका जो कॉस्ट है उसको क्या नाम देंगे? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी अगर मैं कंपनी में कोई क्या बताइए बोलिए एक्स्ट्रा फंड ला रहा हूं, उसका जो कॉस्ट है उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बताइएगा इधर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. देखते कितने लोगों का दिमाग दौड़ता. एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा था, मतलब एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पहले जो कंपनी में ऑलरेडी क्या पड़ा है, फंड्स पड़ा है, उसका खर्चा था 14%. एडिशनल जो ला रहे हैं क्या फंड्स, उसका कॉस्ट लग रहा है 16%. व्हाट इज माय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? टू परसेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत.
वेरी गुड, आंसर इज 16%। सोचिए, यही गलती होता है एक बार हड़बड़ी में। पुराने फंड्स का कितना लग रहा था? अच्छा, नया फंड लाएंगे तो सिर्फ 2 लगेगा कि 16 लगेगा? अरे 16 लगेगा, 2 पे थोड़ी काम हो जाएगा। और फंड लाएंगे थोड़ा ज्यादा खर्चा लग रहा है, कितना लग रहा है? 16%। मैंने क्या मांगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग रहा है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब एडिशनल फंड लाने का खर्चा। अरे एडिशनल फंड लाने का खर्चा 16 ही है, हमको इंक्रीज नहीं पूछा कि पुराने फंड्स का 14 लग रहा था, नए फंड्स का 16 लग रहा है, तो मतलब ज्यादा कितना लग रहा है? गलत वर्ड। मार्जिनल का मतलब ये नहीं हुआ कि ज्यादा कितना खर्चा लग रहा है। मार्जिनल का वर्ड का मतलब क्या हुआ? एडिशनल फंड लाने का कितना खर्चा लग रहा है। तो एडिशनल फंड लाने का कितना खर्चा लग रहा है? 16। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितना हो गया? 16%। क्या बोलिए, लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो एक प्राइमा फेसी दिमाग में मन आता है यार कि वो 2 एक्स्ट्रा जो लग रहा है वही भी है, बट वो 2 नहीं है, 16 का 16 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है जो आप 16 बोल रहे हैं? अच्छा, ये 14 कैसे कैलकुलेट किया जा रहा था बता सकते हो? कैसे? केई केपी केई दिया हुआ रहेगा, वेटेड एवरेज, ये भी वैसे ही निकलता है। यानी नया केई, नया केपी, नया केडी दिया हुआ रहेगा, उनके वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, वेट्स निकालना है, इनटू करना है, आंसर कर देना। यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के कोई बड़ा चीज नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे वही मार्जिनल। नाम सिर्फ मार्जिनल आ गया क्योंकि एडिशनल वर्ड। क्या बोलो, लॉजिक हिट हो रहा है? यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस, बताइए वापस से, कॉस्ट फॉर एडिशनल फंड्स, कॉस्ट फॉर एडिशनल फंड्स। एग्जांपल, एग्जिस्टिंग 14 लग रहा था, नया का 16 लग रहा है, तो एम ओ सी ओ सी क्या है? 16 ही, 2 नहीं। डन है, लिखेंगे बात। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एडिशनल कैपिटल ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग वन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग वन। एग्जाम्पल, यही वाला उतारेंगे, यही वाला उतारेंगे। एग्जिस्टिंग सीओसी कितना है? 14। एडिशनल फंड का खर्चा कितना लग रहा है? 16। तो बताइए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 16। बोलिए बोलिए बोलिए, बात जा रहा है माथे में। मोड ऑफ कैलकुलेशन या वे ऑफ कैलकुलेशन इज सेम एज WACC, वे ऑफ कैलकुलेशन इज सेम एज WACC, वे ऑफ कैलकुलेशन इज सेम एज WACC, वे ऑफ कैलकुलेशन इज सेम एज WACC। करें एक सुंदर सवाल इसके ऊपर, आए क्या सवाल पे? हाँ, कि एक एग्जांपल लिखाऊं पहले? एक एग्जांपल हो गया, समझ में आ गया, वैसे इजी सवाल था। आइए, सम्स नंबर 22, पेज नंबर 12। सम्स नंबर 22, पेज नंबर 12। रेडी रेडी 22 करे। कंपनी का नाम एक्स वाई जेड एंड कंपनी, अपने को फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है पढ़िए। ओ माय गॉड, कंपनी में इक्विटी है और डिबेंचर्स है, कितना कितना? 2 लाख और 2 लाख। 12% आफ्टर टैक्स दिया है क्या कॉस्ट? ऊपर देखिए, आफ्टर टैक्स दिया है क्या, यानी ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कर दिया। तो अब आप मत बोलना वो जो 4% है उसमें 1 माइनस टैक्स करेंगे, नहीं दरकार है, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स किया। तो मतलब ये दोनों केडी और केई दे दिया। द कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसके दिमाग में एक और तरीका आ रहा है।
बोल रहा है क्यों ना और 1 लाख रुपया लाया जाए, बिजनेस बढ़ाने का इच्छा हो रहा है और 1 लाख रुपया लाना पड़ रहा है। तो मतलब बताइए न्यू कैपिटल कितना लाने का? 1 लाख। बोल रहा है उसके लिए क्या लेगा हम? लोन लेगा कितना खर्चा पे? क्या यहां लिखा आफ्टर टैक्स प्री टैक्स? तो क्या मानेंगे? प्री टैक्स, यानी 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, यानी 1 लाख का खर्चा कितना लगेगा? 10% बिफोर टैक्स। टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? एक बार बताओ तो 10 का 50% चला गया तो कितना बचा? 5%। 5% तो यानी यानी एक मिनट, ये 1 लाख रुपया लोन के तरीके से जो आ रहा है इसका कॉस्ट कितना लगा? केडी कितना है? 5%। कितना हुआ? क्योंकि 10% तो प्री टैक्स था, पोस्ट टैक्स कितना हो गया? यानी 1 लाख का जो लोन लिए उसका कॉस्ट कितना लग रहा है? 5%। 5% कैसे आया? 10% 1 माइनस टैक्स रेट। डन। तो क्या यही एडिशनल कैपिटल है? क्या यही एडिशनल कैपिटल है? पुराना कैपिटल कितना था कंपनी में? 4 लाख था क्या? क्या वेटेड एवरेज कर सकते हो 12 और 4 का? वही टेबल बना के पूरा, तो ओल्ड का मिल जाएगा कॉस्ट और ये नया वाले का कितना लग रहा है? 5। एक बार ओल्ड वाले का बताओगे मेरे को वेटेड एवरेज? बाबू एक बात बोलूं, वेट्स सेम है, 2 लाख 2 लाख, यानी वेट्स, जब वेट सेम होता है, बचपन में एक बात पढ़ा होगा सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं, जब वेट सेम होता है तो वी कैन डू सिंपल एवरेज, दोनों का वेट सेम है मतलब बराबर है, जब वेट्स अलग अलग होता है तो बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जब वेट सेम ही है यानी 0.5 0.5, यानी दोनों का सिंपल एवरेज करना, तो बताइए 12 + 4/2 कितना होता? सिर्फ 12 + 4/2 8, यानी 8% क्या है? WACC। एग्जिस्टिंग का कितना है? WACC। लॉजिकली समझ में आया? मैं लिखवाऊंगा पूरा बात। हाँ, नए वाले का कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स कितना? व्हाट इज MCOC? एग्जिस्टिंग का 8, नए वाले का 5, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 5%। यही तो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 1 लाख लाने का खर्चा। पार्ट 2 क्या बोला? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एडिशनल क्या था? उसका आंसर 8%। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? मार्जिनल वाले का 5, पुराने वाले का 8। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? ओ, तीनों मिला के कितना है? तो तीनों मिला के कितना है कैसे करेंगे? तीनों लिख देंगे 2 लाख 2 लाख 1 लाख, कॉस्ट वेट्स इनटू आंसर। क्या डन हो रहा है बात आपको? एक मिनट, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पार्ट 1 का आंसर बताइए। पार्ट 1 का आंसर मैं बोलूं केडी दैट इज इक्वल्स टू 10% 1 माइनस टैक्स रेट, कितना हुआ? 5%। पार्ट 2 का आंसर अपने सिंपल एवरेज से निकाल दिए, बट एक बार अपने को ध्यान रहे तो एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है? क्या था सोर्सेज बताएंगे? इक्विटी, डिबेंचर्स। कितने का इक्विटी और कितने का डिबेंचर्स? 2 लाख 2 लाख, टोटल 4 लाख। तो वेट्स कितना हो जाएगा? आधा आधा, 0.5 0.5। तो कॉस्ट क्या क्या था इनका? कॉस्ट बोलिए, 12 और 4। तो WACC कितना हो गया? 8। क्यों? ये कौन सा क्यों है? एग्जिस्टिंग क्यों, यही मांगा था अपने से पार्ट नंबर 2। मतलब मैं टेब्यूलर फॉर्मेट में भी करवा दिया, बट लॉजिकली जाए तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से भी आ रहा था, तो अपने तो MCQ है, अपने थोड़ी इतना कहानी दिखाएंगे उसको, अपने तो स्मार्टली कर दिए होंगे आंसर तुरंत ही। क्या बोलो, जा रहा है माथे में? हम पार्ट 2 कैसे किए? अब बताओ तो पार्ट 3 कैसे करोगे? पार्ट 3, अरे सोर्सेज में आप क्या लिख दो? इक्विटी, डेट और लोन, तीनों लिख लो। अमाउंट बताओ, अमाउंट 2 लाख 2 लाख 1 लाख, टोटल 5 लाख। तो वेट्स बताओ, वेट्स 0.4 0.4 0.2। कॉस्ट बताओ, कॉस्ट 10 नहीं 12 4
पांच, तो डब्ल्यू ए सी सी। भैया डब्ल्यू ए सी सी क्यों लिख रहे, बात एक ही है, कुछ भी लिखो, आफ्टर टैक्स आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, आफ्टर नहीं, आफ्टर क्या, एडिशनल फंड्स केओ, बताइए आफ्टर एडिशनल फंड्स केओ कितना आया, बस निकाल। मेरा बात समझ में आ रहा है ना, क्या किया पहले, उससे पहले, उसके बाद उसको मिला के। आसान, फ्लेवर है एकदम, स्टार्टर डेजर्ट सब है, इतना आसान। बोलिए बोलिए बोलिए, कितना आया इसका आंसर यहाँ पे, 7.4 एग्जैक्ट, 7.4। देखिए देखिए देखिए, यानी नया कैपिटल आने से टोटल फंड का कैपिटल थोड़ा कम, कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता में आ रहा था, 5% में ही आ गया था। यहां तक ठीक है क्या? पार्ट थ्री कंप्लीट, पार्ट फोर पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहा है, और कोई मेरे को तुरंत आंसर देगा एमसीक्यू का बिना किए सम्स, देखते हैं कि इसमें दिमाग है, बिना किए कुछ नहीं करना, ना कैलकुलेटर यूज करना है, ना बुक ना पेन, सिर्फ दिमाग। आंसर इज 8%। सोचिए कैसे, दिमाग लगाइए थोड़ा, अब अपने को स्मार्ट भी बनना, खाली मेहनत नहीं करना, मेहनत गधे लोग करते, अपने स्मार्ट, अपने घोड़े, वैसे जानवर तो है ही, चाहे जो भी हो, फटाफट बताइए। 8% इज द आंसर, सोचिए कैसे। अरे बोल रहा है ये जो 1,00,000 है ना, ये इन दोनों से सेम रेशियो में आ रहा, अगर सेम रेशियो में आ रहा है मतलब यहां और 50, यहां और 50, तो ये 2.5, ये 2.5, यानी वेट्स तो अभी भी और कॉस्ट भी, तो आंसर भी, अगर सेम प्रपोर्शन में जा रहा है यानी आंसर सेम रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अगर 1,00,000 उस प्रपोर्शन में आता तो 8%। क्या पार्ट फोर का आंसर 8% समझ में आया? और अगर अच्छे से करना है कि भैया प्रेजेंटेशन बताइए, तो क्या लिखेंगे अपने सोर्सेस, इक्विटी डेट, क्या लिख दोगे यहां, अमाउंट रूपी 2.5 टोटल 5, पार्ट नंबर 4 का। यहां क्या लिखोगे फिर, वेट्स, क्या रहेगा वेट्स, 0.5, कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट 12 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा अगेन 8%। बट इतना मेहनत क्यों करें जब अपने लॉजिकली सोच सकते हैं कि 8 आएगा, बट एक बार ठीक है दिमाग कम काम करे तो ये कर लेना, आंसर 8 दिख जाएगा। बोलिए क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया? ऐसा कुछ तो 30 साल पहले वाला चीज बनी, जो डब्ल्यूएसीसी में करते थे वही मार्जिनल कॉस्ट में करते, नाम चेंज कर दिया। बोलो सीएस, बोलो, हो रहा है, वेरी वेरी गुड। तो भैया आसान टॉपिक, हाँ एकदम आसान, तो ये अपने लोग का कवर हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। अब आएगा तो कर लेंगे अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, ठीक है भैया। और
सम्स है क्या कैटेगरी वाइज? हाँ थोड़े से और अटपटे सम्स है, आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे सबको ही, क्वेश्चन नंबर 23 सबको ही पढ़ेंगे, बीटा लिमिटेड का है, पढ़ना चालू कीजिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 पेज 12। ये ऐसे करते करते तो आप सारा ही करवा दे रहे हैं। हाँ ईपीएस कितना है और डिविडेंड पेआउट कितना है तो बताओ तो। डीपीएस कितना हो गया? डीपीएस 4 रुपए का 25%। अबे 1 रुपया, इतना सोचो, 1/4 होता है 25%। थोड़ा सा कैलकुलेटर की दुनिया से बाहर आओ भैया। नहीं भैया, हम लोग 2+3 भी करते हैं कैलकुलेटर, माना वो एग्जाम हॉल में करना पड़ता, बट थोड़ा सा अपने, अगर फास्ट कैलकुलेशन एमसीक्यू है बाबू, थोड़ा सा अपने को प्रोसेस चलाना होगा। अब अगर अपने ये भी सोचेंगे कि 50 का 50% क्या होता है और कैलकुलेटर में मारेंगे तो बहुत गलत बात। हाफ होता है, आधा होता है 50%, 25% 1/4 होता है, तो 4 का 1/4 1 रुपया। थोड़ा सा अपने को मैथमेटिकल दिमाग पैदा करना होगा, ये सब कोर्सेस के लिए जायज है। तो 1/4 हो गया यानी 1 रुपया। अच्छा ठीक है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 40। ग्रोथ रेट कितना है? 8। और टैक्स रेट कितना है? 30। फटाफट बताइए, कंपनी वॉन्ट्स टू रेस क्या? एडिशनल कैपिटल। कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का कैपिटल लाने का इच्छा हो रहा है, जिसमें से 4 लाख कहां से लाएगा? एक मिनट एक मिनट, 10 लाख का कैपिटल लाना है जिसमें से 4 लाख लाएगा डेट से, करेक्ट? तो बाकी का 6 लाख कहां से लाएगा बताओ ना? इक्विटी से। क्या समझ में आ रहा है? बाकी का 6 लाख कहां से लाएगा? इक्विटी। बट बोला ये जो 4 लाख ला रहे हैं ना, इसमें भी दो आदमी दो बात कर रहा है। देखो आगे क्या बोला, बोल रहा है कि 2 लाख तक अगर तुम मेरे से रुपया लेते हो तो हम उसका ब्याज कितना लेंगे तुमसे? 10%। बट तुम 2 लाख से जैसे ही बियॉन्ड लोगे हम कितना लेंगे उसके लिए? यानी 2 लाख तक का कितना लगेगा, बट एडिशनल 2 लाख के ऊपर कितना और चाहिए? दो और चाहिए, 4 चाहिए टोटल, 2 मिल चुका, यानी और 2 चाहिए। इसका कॉस्ट कितना लगेगा? क्या बोलो, समझ में आया? बट ये दोनों कौन सा कॉस्ट है, प्री टैक्स की पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स। तो अपने को क्या चाहिए? पोस्ट टैक्स। कितना टैक्स रेट था? 30%। बताइए 10 का 30% हट गया। अब फिर से ये सब अपने कैलकुलेटर में करते हैं, 7%। 10 से 30% गया तो 70%, यानी 3% गया। 15 का 30% गया यानी क्या बचा? 70%, यानी 10.5। क्या ये दोनों मेरे काम का है कि ये दोनों मेरे काम का है? मेरे काम का, ये दोनों बन गया, ये मेरे काम का नहीं है, बट इससे ही ये निकला। पहले बोलो 2 लाख का खर्चा कितना? 7। अगला 2 लाख का खर्चा कितना? 10.5। और ये 6 लाख का खर्चा कितना? उसके लिए ऊपर डेटा था, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। अरे डिविडेंड ग्रोथ रेट का D1/P0+G × 100, यही तो के ई होता है। D1 कितना आया अपना? 1 रुपया। भैया ग्रोथ लेंगे कि नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है ये लोग ईपीएस 0 पकड़े, हो सकता है ये लोग EPS 1 पकड़े, अपने कुछ भी लेके करेंगे। अपने लोग को एक बार के लिए D0 पकड़ना चाहिए क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो बताइए D0 कितना आया था अपना? 1 रुपया। इसमें कितने का ग्रोथ मारना होगा? 8% का, यानी 1.08 डिवाइडेड बाई प्राइस कितना था? 40+0.08 का ग्रोथ। निकालिए कितना आया के ई सबको, निकालिए के ई कितना आया सबको। D0 1+G से D1 आया, डिवाइडेड बाई P0+G कितना आ रहा है के ई? एग्जैक्ट, तब तो ठीक ही है, 10.7% आया। क्या तो अपने D0 ही मानेंगे, ध्यान रखना। तो यहां क्या लिखे अजम्पशन बताइए, अज्यूमिंग बोलिए, D0 इज इक्वल्स टू 1, तो D1 निकला अलग से। तो
जो डेटा दिया हुआ था वो डी जीरो का था। क्या मांगा है सम्स में आप बताइए ना भैया, इतना कहानी किया आप, मांगा क्या था पढ़िए तो, क्या मांगा? कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, निकाल लिए क्या? कितना? 10.7। कैलकुलेट डेट का कॉस्ट, डेट का आफ्टर टैक्स कॉस्ट बताओगे? व्हाट इज डेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट? 7। ये दोनों ही तो है क्या? ये दोनों ही है तो इन दोनों को क्या कर दो? गलत, इन दोनों का एवरेज। कोई भी कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज, ऐड मत बोलो। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 2,07,000, ये 2,10,500, यानी 4,17,500 लग रहा है। बिल्कुल गलत कंसेप्ट, यानी इन दोनों का वेटेड एवरेज। बट वेटेड एवरेज करो, सिंपल एवरेज करो, बात एक ही है क्योंकि वेट्स आर सेम। बताइए 7 + 10.5 / 2, तो वेटेड केडी कितना हो गया? वेटेड केडी 8.75। सम्स में ये मांगा था, ध्यान रखना एग्जाम हॉल में अगर केडी मांगे, यानी वेटेड एवरेज केडी बोल रहा, पहला बार सम्स में 2 केडी था तो दोनों का क्या कर दिए? एवरेज, क्योंकि 1 केडी रहेगा ऑप्शन में, तो कौन सा वाला टिक करेंगे भैया? दोनों का एवरेज निकालना होगा, तो ये वाला पॉइंट याद रहेगा। क्या बोले हम बताइए? अगर सम्स में 2 केडी निकले और मांगे 1 केडी, तो दोनों का क्या करना होगा? वेटेड एवरेज। क्या बोलिए, ये पूरा सम समझ में आया? और क्या मांगा था बताइए? एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे बताओ? बताओ सोर्सेस क्या क्या है? डेट 1, डेट 2, इक्विटी। डेट 1 का वैल्यू कितना है? वैल्यू 2,00,000। डेट 2 का 2,00,000, ये 6,00,000, टोटल 10,00,000। तो वेट्स कितना हो गया? फिर ये अपने करते हैं 0.2, 0.2, 0.6, 10 से डिवाइड होगा तो सब पॉइंट एक एक इधर आएगा बाई 1, टोटल 1। कॉस्ट इन परसेंटेज, पहले वाले का कितना निकला था? 7, 10.5, 10.7। तो WACC इज, ये पार्ट 3 का। क्या पूरा सम समझ में आया? पार्ट 1 का आंसर थोड़ा सा टेक्निकल था, वेटेड एवरेज करना था केडी का, क्योंकि ये ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा और ये जो आया वो ऑप्शन में रहेगा। 3 आंसर मांगा था, केडी, केई और केओ। हम पूरा सम्स कर दिए हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना है। नहीं, कॉपी नहीं करना है, खुद से करना है। इजी सम्स, काफी आसान। चलिए तो कितना लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर सकता है देखते हैं, सेम टाइप का सवाल अभी ट्राई करेंगे। 20 मैं मदद नहीं करूंगा, जो बना लिया उसको 100 रुपया इनाम, जो सबसे पहले बनाएगा उसको 100 रुपया इनाम कैश देंगे, क्योंकि फिर हम लास्ट टाइम चॉकलेट देते थे तो लोग बोलते थे भैया हमको सिगरेट पीना था, तो फिर हमसे हम चेंज कर दिए। हम बोला कैश ही दे भाई, जिसको जो लेना है लेगा, अपना काइंड वाइंड में नहीं देंगे, वरना पहले मैं सिल्क देता था, हाँ बबली बांटते थे। 20 20। पहले मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट बांटता था, अब मैं बोला यार चॉकलेट बांट के लाभ नहीं है, बच्चे लोग बोलते हैं भैया हमको कुछ अलग आइटम खरीदना था, बोला ठीक है अपना शौक शौक पूरा करो सर। 100 रुपया कैश प्राइस, जो क्वेश्चन नंबर 20 किया, सेम एज 23, थोड़ा सा बड़ा है बस, क्योंकि बाइफर्केशन ज्यादा होगा। देखते हैं कितना लोग अपना दिमाग लगा पाते हैं। भैया थोड़ा कम बोलिए। ओके, जैसे मैंने समझ किया तोड़ना चालू, फ्लो चार्ट बना के, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या मांगा? पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस, वही मांगा है कि कहां से कितना रुपया प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 20।
20% का एलिवेटर में करना पड़ता है, ये तो किया भी मेरा क्या आप लोग एक्सेंट करते हैं पता नहीं क्यों एक्सेंट करना नहीं चाहिए जिनका जिनका पैटर्न रेडी हो बताना मेरे को भैया मैंने पैटर्न रेडी कर दिया आप देख सकते हैं कहां से कितना रुपया आ रहा है किसी का पैटर्न रेडी हो तो बताना भैया पैटर्न रेडी है देख लीजिए ठीक है भैया ये पैटर्न कौन सी है हां पैटर्न है ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है हां पैटर्न का पैटर्न है वो भी पर ये भी कंप्लीट नहीं है गलत है इसमें भाई का कितना है 20% 10 लाख का 20% 3 लाख होता है इसमें तीन कितना किसका है और ये सात कितना है चार भाग है गलत है मेरी बात तो ना रोके रोके इतना किया इसका भी बाइफर्केशन है मैं लिखे पढ़िए पैटर्न ऑफ एजिंग कितना दिखाओ गलत कर रहे हो ऐसे नहीं पहले बताओ कितना से कितना है हाँ ऐसे ये जो बचा उसमें क्या डेट कितना इतनी सब सोचिए थोड़ा आप देख रहे हैं अब ये भी टूट रहा है हाँ तो ये बताओ कैसे दिखाओ क्या किया हाँ है डेट ये और इक्विटी का हिस्सा क्या है 3 लाख का ये दो इक्विटी का करो हाँ ये जो बचा हो गया है ये मतलब इक्विटी का दिया था आगे जो आगे नहीं दोनों में डिफरेंस ये कुछ दिखाई दे रही नहीं डेट इधर हो डेट गलत है डेट गलत है क्या मैं मदद करूं क्या मैं मदद करूं ये नहीं चाहिए हमको हमको बस इतना बताओ कौन सा पैसा कहां से आ रहा हमको पार्ट वन का आंसर चाहिए आप पार्ट टू थ्री बता रहे हैं टू थ्री तो दूर की बात है मुझे पार्ट वन चाहिए मैं कर रहा हूं पार्ट वन यहां ध्यान दो देखो आप पढ़े सम्स में कितना रुपया मांग रहा है 10 लाख में कितना डेट से आ रहा है और कितना इक्विटी से आ रहा है वेरी गुड पहले तो 30% यानी 3 लाख और 7 लाख पहले ये बाइफर्केशन होगा तो लोग क्या कर रहे हैं इससे पहले रिटेन अर्निंग ढूंढ रहे रुकिए पहले डेट और इक्विटी में बांटिए अब डेट में बात करते हैं डेट में बोला 1.80 तक तुम्हारा 10% ही खर्चा लगेगा
जैसे ही 180 से ऊपर उठाओगे, अरे 180 से ऊपर कितना और चाहिए, 120 ही तो चाहिए क्योंकि 3 टोटल चाहिए था, 180 मिल गया और कितना चाहिए 120, उसका खर्चा कितना लगेगा, देखो देखो 16%। ये सब क्या है, प्री टैक्स। डन, एक मिनट, इस 7 लाख में भी बाइफरकेशन है, इस बार इस 7 लाख में भी बाइफरकेशन है इस बार। ओ ध्यान रखो, ध्यान रखो, जहां पे गलतियां हो रही है उसको मार्क करो भैया, यहां हम गलती किए। इस 7 लाख में 2-10 तो घर पे पैसा पड़ा था, जिसको मैं क्या बोलता हूं, रिटेनेंट, जिसके कॉस्ट को क्या बुलाते हैं, केआर। और बाकी का जो पैसा बचा माइनस करके कितना, ये क्या होगा तब, अगर पैसा इक्विटी से आ रहा है, घर का पैसा इतना यूज कर लिया नहीं, ये क्या है, इसको बुलाते हैं न्यू इशू करना होगा ना शेयर्स। अगर इक्विटी से 7 लाख लाना है, इक्विटी से 7 लाख में बोल रहा है 2-10 तुम कहां से ला सकते हो, जो पैसा पड़ा है उससे, तो बाकी का पैसा कहां से लाओगे, नया शेयर्स इशू करना हो। तो ये हुआ पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस। 2 डेट डिवेंचर आया, एक 10% वाला, एक 16% वाला, और एक रिटेन अर्निंग्स आया और एक न्यू इशू आया। डेट 10% वाला 180 आया, 16% वाला 120 आया, रिटेन अर्निंग 2-10 आया और न्यू इशू 4.90 आया। ये पार्ट वन का आंसर, ये पार्ट वन का आंसर। बोलिए पार्ट वन सबको समझ में आया कि कहां से कितना रुपया आ रहा है। अच्छा, ये के आर होता है, ये के ई होता है, अभी तक हम आपको कुछ अलग बताया क्या दोनों में, यानी दोनों क्या होता है, सेम है कि नहीं, तो दोनों का कॉस्ट सेम तरीके से निकलेगा और सेम आंसर आएगा। के डी बताइए पहले, तो इसका के डी, 180 का के डी टैक्स रेट कितना है, समझ में, अगेन 50%, तो 10 का आधा, और यहाँ के डी 8%, ये 5, ये 8, तो 180 का खर्चा 5 लग रहा है, 120 का खर्चा 8 लग। अब सिंपल एवरेज नहीं होगा क्योंकि अब दोनों का वेट अलग है। पहले बोलो ये समझ में आया। अच्छा, 2-10 का जो खर्चा होगा वही 4.90 का भी खर्चा होगा क्या, क्योंकि के ई के आर सेम है। हाँ, के ई के आर सेम होता है, हम तो अभी तक अलग कुछ नहीं बताया, तो जैसे के आर निकलता है वैसे ही के ई निकलेगा, और जैसे के ई निकलता है वैसे ही के आर निकलेगा, यानी दोनों का कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। अभी तक मैंने आपको डिफरेंस बताया ही नहीं है दोनों में क्या होता, तो फटाफट बताइए के ई निकालने का फॉर्मूला, जो इन्फॉर्मेशन गिवेन है उससे, D1 बाई P0 प्लस G, वही इधर भी हो गया, तो एक ठो लिख देते हैं ताकि दूसरा निकल जाए। बताइए D1 कितना है, एवरीवन D1 कितना है, EPS कितना था, 4 का 50% डिविडेंड, यानी कितना, दो रुपया D1 की D0 2 रुपया क्या हो गया, D0। तो D0 अगर 2 रुपया है, इसमें कितने का ग्रोथ मारना है, कितने का ग्रोथ मारना है, 10%, यानी 1.1, मतलब ग्रोथ लेके इंटू 1.1, ये क्या आ गया, D1, ये क्या आ गया, D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, निकालो कितना आया, वेरी गुड, 15% आया क्या, 15%। देखिए के तो KR भी कितना होगा, 15, आपको कुछ बताया ही नहीं हम लोगों को, तब तक हम लोग यही मानेंगे के ई के आर सेम है, बिल्कुल सेम है। बोलो समझ में आया, सारा का कॉस्ट निकल गया क्या, सब चीज का, इसका कॉस्ट 5, इसका 8, इसका 15, इसका भी 15। अब सम्स देखते हैं क्या मांगा, डिटरमाइन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, यानी इन दोनों का क्या वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज केडी बताइए इन दोनों का, करना आता है वेटेड एवरेज, करना आता है कैसे करोगे, टेबल बना दो और कर लो, छोटा सा टेबल बना लो और कर लो, और जो भी आ रहा है, कॉस्ट कितना हुआ, 1.8, 1.2 टोटल 3, कितना परसेंट हुआ, 1.8 डिवाइड बाई 3, 0.6, 0.4, तो 1, कॉस्ट इधर 5, इधर 8, तो बताओ वेटेड एवरेज कितना आया, 6.4।
2%, ये हो गया वेटेड एवरेज केडी, जो पार्ट टू का आंसर था। ये सब इजी है, एक एक नंबर के लिए आ सकता है, इसलिए करवा रहा हूं। 6.2 वेटेड समझ में आया, कैसे आया? अब बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या मांगा, के ई और के आर, यही तो निकल गया, 15-15 खत्म। पार्ट फोर क्या मांगा, ओवरऑल पूरा टेबल बनाने बोल रहा है, बना देते हैं पूरा टेबल। बताओ कैसे बनेगा, वही सोर्सेस, क्या क्या बोलिए, सोर्सेस क्या क्या, डेट वन, डेट टू, रिटेन्ड अर्निंग्स, न्यू इशू, चार चीज है ना। पहले बताइए डेट वन का कितना रुपया है, 180, डेट टू का 120, रिटेन्ड अर्निंग्स 210 और ये 490, टोटल 10। मैं बोलूं 10 है टोटल, तो वेट्स कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब आप फिर से कैलकुलेटर में कर रहे हैं, सुनिए एक एक डेसिमल आगे करना है। थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। 10 से कोई चीज डिवाइड होता है तो एक एक डेसिमल ही तो इधर जाता है, यानी वेट्स हो गया 0.18, 0.12, 0.21, 0.49। इसमें क्या कैलकुलेटर यूज करना, बट अपने क्या है ना, थोड़े से भोंदू है दिमाग में, अपने क्या बोले क्या चलता है पता नहीं, बट अपने ये सीली सीली चीज नहीं सोच पाते ना, कोई सोचवाता है कि यार कर लो, सब कैलकुलेटर यूज करते हैं। आप देखेंगे मेरे आसपास नहीं मिलेगा आपको कैलकुलेटर। इसका दो कारण है, पहला कि मोटा मोटी हम कर लेता है, दूसरा हम आलसी है फटाफट। यहाँ कॉस्ट बताइए, कॉस्ट बताइए, 5, 8, 15, 15, तो डब्ल्यू ए सी सी बता सकते हो और टोटल के। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 20। हजम हो रहा है क्या सवाल, होना भी चाहिए, हो गया, एकदम आसान आसान सवाल है, ये सब जेब में जाना चाहिए भैया, जेब फटी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ूं क्या, पक्का? चलिए भैया और सम्स कराइए ना थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक और आसान सवाल, 18 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप अपने टर्म के लिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपके टर्म पे आएगा, सेम, आपको कैसे मालूम, बस ऐसे ही बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये सवाल सीए में 2-3 बार पूछ लिया, जबकि ये एकदम चिंदी सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, एकदम लॉलीपॉप सवाल, 1818। रेडी एवरीवन, एफिशिएंट कॉर्पोरेशन कितने का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके कंपनी में? ओ हो, बोल रहा है हम चाहे जितना भी पैसा लाए, हम 40% डेट से लाएंगे, 60% इक्विटी, यानी 0.4, 0.6, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट्स। क्या वेट हमेशा 0.4, 0.6 रहेगा? क्योंकि अगर मैं 1,00,000 लाता हूं, इसका मतलब 40-60 है कि नहीं? अगर मैं 2,00,000 लाता हूं, इसका मतलब 80-120, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा रेशियो क्या बरकरार रखूंगा, 0.4, 0.6। ये बात आगे बोला भी कि प्रेजेंटली दी सेवरल ऑल्टरनेटिव, वो क्या सोच रहा है, कितना से कम रुपया लाने का,
20 लाख, वो सोच रहा है 20 से अंदर अंदर रुपया लाने का इच्छा हो रहा है, और बोल रहा है कि हम कभी भी अपना प्रेजेंट डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी हम कभी भी इसको 0.4 और 0.6 से चेंज नहीं करेंगे। और वो बोल दिया 4 प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, 4। एक प्रोजेक्ट कितना है बताइए, कैसा है, 2 लाख तक का, मतलब बोल रहा है अगर 2 लाख रुपया लगाना पड़े तो कितना। अगला प्रोजेक्ट कितना से कितना, 2 से 5, अगला 5 से 10, और आखिरी वाला 10 से 20। क्या ये 4 प्रोजेक्ट्स है? क्या केडी दिया हुआ है पहले प्रोजेक्ट का और केई दिया हुआ है दूसरे प्रोजेक्ट का? ऐसे ही सारे केडी और केपी केई दिए हुए हैं। एक बार बताइए केडी क्या क्या दिया हुआ है, 10, 11, 12, 13। ऑब्वियसली जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है कॉस्ट भी बढ़ता है क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है। और केई भी बढ़ रहे हैं क्या, 12, 13, 14, 14.5। अच्छा, इस 2 लाख तक रुपया का बोल रहा है इतना लग रहा है, बट क्या बोला कितना रुपया ला रहे, नहीं बस बोला 2 लाख के अंदर अंदर। अच्छा, अगर 2 लाख लाएंगे तो कितना डेट से लाएंगे और कितना इक्विटी से लाएंगे बताइए, 40 डेट से 60 इक्विटी। अच्छा, 1,50,000 लाते तो 40-60। अच्छा, 1 लाख लाते तो 50,000 लाते तो, यानी आप 2 लाख के अंदर जो भी लाइए हमको क्या परवाह है, WD और WE तो 0.4-0.6 रहेगा, मानते हो? अच्छा, ये पैसा के बीच में भी 0.4-0.6, ये तो क्या WACC आ जाएगा, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यही तो करते थे। इस बार हम वैसे टेबल बनाने की बजाय वैसे बना दिया, चलेगा तो आपको, वरना आप कैसे लिखते थे 0.4-0.6 10-12 और इनटू करके करते थे। हम बोल रहे हैं ऐसे लिख दिया तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यहां कर लो, बताओ तो पहले वाले का WACC कितना आया। इलेवन पॉइंट टू आया क्या। अच्छा, नेक्स्ट वाले का बताओ, ऐसे सबका WACC बताओ, पहले उतारना बाद में, पहले मेरे को बताओ, सब उतारेंगे बाद में पर पहले मेरे को बता तो। 12.2, 12.2 और आखिरी वाला 11.2, 12.2, 13.2, 13.9। मैच किया भैया, सम्स में क्या मांगा था, आइए पढ़ते हैं। पहले तो आप इतना काम क्यों करवाते हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द 2 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट दिया, एक कितने का, 6.5 का और एक 14 का। फटाफट बताइए 6.5 कौन से रेंज में लाई करेगा, 5 से 10। 5 से 10 वाले का खर्चा कितना लग रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 13.2%। हम एक बार सबका निकलवा दिया, अब जो सम्स मांगा उसका जवाब दे देंगे, यानी 6,50,000 अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, 13.2। अच्छा, अगला वाला 14 का बता दो, सिमिलरली 13.9। क्या आसान सवाल था, एक नंबर के लिए बिल्कुल। वे ये सीए वाले करते हैं, सीए वाले 4 नंबर के लिए करते हैं, आपको 1 नंबर के लिए करना होगा। तो इजी चीज है, उन लोग को लिखा के दिखाना है, आपको थोड़ा फटाफट सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बट अभी समझने के लिए पूरा टेबल उतारना है और लिखना है। 1 मिनट खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 कर लो पहले, फिर करेंगे। पार्ट 2 क्या बोला पढ़िए, फिर उतार लेंगे ना पूरा, मैं समय दूंगा। ओहो, बोल रहा हम धंधा में कितना भी रुपया लगाए हम कमा कितना सकते हैं, देखो हम कमा कितना सकते हैं, 10% आफ्टर टैक्स रिटर्न, मतलब कमाई कितना कमाई है 10%। तो बोल रहा है इन 4 में से कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर तुम्हारा कमाई 10% है तो तुम इन 4 में से कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो बताओ, सोच समझ के। वेरी गुड आंसर इज, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, क्यों,
अरे सबसे कम खर्चा 11.2 लग रहा है, और आप बोल रहे कमाएंगे ही 10%, तो ये हम घाटा करके धंधा करें? करने का दरकार नहीं, यानी आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोजेक्ट। अच्छा एक और लाइन लिखा, ऑल्सो इफ, बोल रहा है अगर आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना हो जाए 13.5, तो कौन सा करोगे? गुडवर्क लास्ट वाला नहीं करेंगे, क्योंकि 13.5 मेरा कमाई है, यानी लास्ट वाला छोड़ के बाकी आप कोई भी बोलिए हम धंधा करने को राजी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? धंधा कौन सा करेंगे? लास्ट वाला छोड़ के हम सारा कर लेंगे। क्या ये सारा बात समझ में आया आपको? प्लीज अब आप उतारिए और आंसर कीजिए। भैया लिखना कैसे? आपको तो लिखना है नहीं, आपको तो सर्कल करके आना है। तो पार्ट टू का आंसर क्या हो गया पहला वाले का? नो प्रोजेक्ट। और पार्ट टू का जो सेकेंड पार्ट था उसका आंसर हो गया फर्स्ट थ्री। और ये पार्ट वन का आंसर। प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। क्यों लग रहा है आपके टर्म में आएगा ये? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, 1 घंटा पढ़ लिए पिच कर। बस कुछ अंतिम चैप्टर का अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ गला घोट के मारेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेरे हर चैप्टर में आपको प्रीवियस चैप्टर का एक सम्स मिलेगा। तो इससे पहले कौन सा चैप्टर किए थे भैया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ध्यान है? तो 24 क्या है ना, आपको रिवाइज करवाएगा जो अपने पहला दो बेसिक्स क्लास में किए थे। तो वो बेसिक्स क्लास का कंसेप्ट पढ़ के आप 24 ट्राई करेंगे। 24 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा और नया चैप्टर चालू करूंगा। आज सिर्फ एक टॉपिक कराऊंगा और एक सम्स, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे। पहले पढ़ाऊंगा फिर सम्स नंबर 17 करवाऊंगा, ठीक है? बस उसके बाद छुट्टी, यानी और 15 मिनट सह लो। हाँ एसी बंद कर दो, बहुत ठंडा हो गया। एक तो कर देते हैं। हम तो आग के बने एकदम, मुंह के आगे ऐसी खा रहे। रेडी? ट्वेंटी फोर इज योर होमवर्क। अब तो कुछ गिने चुने सवाल ही बचे थे, सारा ही करा देते भैया। जोश है आप में? नहीं भैया सारा का नहीं है, इतना मत बोलिए, ठीक है? बाकी सारा इतना काम का नहीं है, एक और काम का है 17 नंबर, वो मैं कराऊंगा। फिर तो कितना ही बच गया पहले बताओगे? नहीं मैंने 16 बोला आपको करना नहीं है, 19 नहीं करना। 17 भी टिक क्रॉस कराया? नहीं नहीं करेंगे आज, कोई बात नहीं कर लेंगे। आपने सिर्फ क्या क्या नहीं किया मालूम? 15, 16, 19 और 21, सिर्फ 4 सम्स बचा है, बाकी तो अपने सीए जितना पढ़ ही लिए। तो वो 4 सम्स थोड़े बड़े बड़े हैं, पेचीदे हैं, कोई बात नहीं, नहीं किए तो चलेगा। अब अपने एमसीक्यू करेंगे ताकि अपने को पता चले आपका क्या कमांड रहा इस चैप्टर में। बाकी तो अब एक चम्स बचा 17 नंबर और आज का क्लास खत्म। 17 नंबर से पहले लास्ट हेडिंग आज का, पॉइंट नंबर 10, आखिरी टॉपिक एंड द चैप्टर इज ओवर। एंड द चैप्टर इज ओवर। टेन नंबर पॉइंट लिखेंगे KR, यानी क्या? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग।
रेडी के आर लिखिए, के आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू के ई एक्सेप्ट, के आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू के ई एक्सेप्ट, के आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू के ई एक्सेप्ट नंबर वन, एक्सेप्ट नंबर वन व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, चार पांच लाइन छोड़ के, नंबर टू व्हेन देयर इज पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट इज गिवन, व्हेन देयर इज पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट इज गिवन, व्हेन देयर इज पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट इज गिवन। दोनों का मतलब एकदम नहीं पता, एक बार लिखे हैं और टॉपिक मोटा मोटी समाप्त हो चुका है, इसके तीन लाइन बाद वी कैन एंड दी चैप्टर। तो बस इतना पॉइंट करना और एक क्वेश्चन करना है 17, ठीक है। आइए सबसे पहले फ्लोटेशन कॉस्ट वाला पॉइंट समझेंगे, उसके बाद पर्सनल शेयर होल्डर वाला। मैं आपको क्या बोला, के आर के ई सेम होता है, सिर्फ ये दो पॉइंट पे अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा भैया ये तो बताइए, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब बताइए ना, याद कीजिए बताया था आपको, जब कुछ इशू करते हैं उस पे जो खर्चा लगता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या रिटेन अर्निंग्स पीएल से बैलेंस शीट में जाता है, यानी ये तो एक बुक एंट्री है, इसको तो कुछ ऐसा थोड़ी और एक आदमी पकड़ रहा है रिटेन अर्निंग्स और फेंक रहा है कहीं, ये तो अपने सिर्फ एंट्री मारते हैं, ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। यानी क्या इसको करने के लिए कोई कमीशन देना पड़ता है क्या किसी को? नहीं। बट नया शेयर इशू करने के लिए अंडरराइटिंग कमीशन पड़े होंगे, आप थोड़ा शेयर्स वेयर्स करेंगे तो क्या देना होता है, कमीशंस देना पड़ता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कब लगेगा, जब के आर निकालोगे कि के ई निकालोगे, सोच समझ के जवाब देना। फ्लोटेशन कॉस्ट कब लगेगा, जब के ई निकालोगे कि जब के आर निकालोगे? ओनली वेन यू कैलकुलेट के ई, ओनली वेन यू कैलकुलेट के ई, क्योंकि के ई का मतलब होता है नए शेयर्स का खर्चा, के आर का मतलब होता है घर के पैसे का खर्चा। बाय द वे दोनों सेम ही होता है क्योंकि दोनों मालिकों का पैसा, बट एक पॉइंट पे अलग होगा जब क्या लग रहा होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा तो आई नो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मारते हैं तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है एक बार फटाफट, डी वन बाई पी जीरो। अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट है माइनस एफ करते थे नीचे से, प्लस जी इंटू 100%। बट जब के आर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा बताइए, ट्राई लीजिए, डी वन बाई पी जीरो प्लस जी इंटू 100%। यानी चाहे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ हो फिर भी के आर निकालते समय नीचे माइनस एफ नहीं कर। एक बार मैथमेटिक्स थोड़ा दिमाग में लगा के बताओ, कौन सा बड़ा आएगा के ई की के आर, कौन सा ज्यादा आएगा? बुड़वक लोग के ई वैसी आएगा, के ई वैसी आएगा, ये छोटा हो गया डिनोमिनेटर और तो आंसर बड़ा हो गया। और दूसरा लॉजिकली सोचिए ना, के ई निकालते समय एक एक्स्ट्रा खर्चा और लग रहा है क्या? कौन सा? फ्लोटेशन कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा खर्चा और बियर करना पड़ रहा है, कौन सा? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसका खर्चा तो बेसी, यानी के ई इज ग्रेटर देन के आर व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। और के ई निकालेंगे कैसे? फ्लोटेशन कॉस्ट कंसिडर करके। के आर निकालेंगे कैसे? फ्लोटेशन कॉस्ट इग्नोर करके। क्या बोलो, डन है बात? भैया अगर सीएपीएम मॉडल है तो क्या करेंगे? तो के ई का फॉर्मूला क्या था एक बार बताओ, वो छोटा वाला आर एफ वाला, बोलो बोलो बोलो, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। एक छोटा सा फॉर्मूला, आर एम प्लस आर एम, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। के ई ऐसे ही निकलेगा। बट अगर अब फ्लोटेशन कॉस्ट है, एक मिनट वापस से ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकल, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो अगेन के ई विल बी ग्रेटर देन के आर, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट है। सपोज ये 21% है, सपोज,
और मैं आपको बोल रहा हूं फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का है कंपनी में, कितने परसेंट का है? तो बताओ केआर क्या होगा, सोच के थोड़ा सा लॉजिकली। मैं आपको बोला मेरा रिटर्न 21%, 21% तो केई कितना हुआ 21%, कैसे आया भूल जाओ, 21 लाया। अब हम बोल रहे हैं केआर निकालना है और 2% का क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो केआर कम होगा कि बेसी होगा केई से, केआर केई से केआर कम होगा कि बेसी होगा, कितना कम होगा? 2% कम कर देंगे, कितना परसेंट कम कर देंगे, यानी इसका 98% ले लेंगे, करो तो 21 का 98% करो 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 21 का 98% 20.58, यानी कैसे फॉर्मूला क्या हुआ बताओगे, बताओ केई जैसे निकलता है निकल गया, केआर निकालते समय मैं लिखूंगा केई ब्रैकेट में 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज जो दिया हुआ, फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज जो दिया हुआ, केई जैसे निकालते निकाल लेंगे, केआर निकालते समय केई ब्रैकेट में 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या समझ में आ रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट से कम कर देंगे, अगर 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 2% से एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, क्या बोलो लॉजिकली समझ में आया, यानी अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यानी कि मायरॉन वाला सम्स है, मायरॉन का वो चार फॉर्मूला वाला सम्स है, तो हर सम्स में क्या करोगे एफ माइनस करेंगे और यहां माइनस नहीं करेंगे, बट अगर सीएपीएम मॉडल है तो सम्स को ऐसे करेंगे, क्या दोनों तरीका समझ में आ रहा है, ये कब करते हैं मायरॉन गॉर्डन वाले टाइम, ये कब करते हैं विलियम शार्प सीएपीएम, क्या डन है बात आप लोग को दोनों, प्लीज उतारिए, व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये साइन भी के ई इज ग्रेटर देन के आर, के ई इज ग्रेटर देन के आर, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट से कम कर दे, जनरली आपको पहला वाला ही देगा, दूसरा वाला भी देता है तो इजी सा बात है, पर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट पे सेम गोस फॉर पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, एकदम सेम, ध्यान से सुनना, इसमें तो सिर्फ एक ही, चाहे ये मॉडल हो चाहे मॉडल हो, एक ही काम करना है, ध्यान से सुनना, when there is personal shareholder tax given, what do you mean by personal shareholder tax, मतलब shareholder का जो खुद का taxation, क्या shares खरीदते लेते समय कोई tax लगता है, हाँ भैया लगता है, जिसको capital gain tax बोलते हैं, आप tax में थोड़ा दिन में पढ़ेंगे, आपको पता है 5 sources of income होते हैं, थोड़ा बहुत तो याद होगा, 5 sources of income होते हैं, house property, business and profession, है ना, capital gain, other sources, ये सब सुने हैं तो बोलो ना, थोड़ा सा सुने, हाँ एकदम सुने, बिल्कुल सुने, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सैलरीज, यानी कि पर्सनल शेयर होल्डर पे टैक्सेशन लगता है कब, जब शेयर्स लेते बेचते, अगर मैं आपको बोल रहा हूं अगेन केई जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालोगे, केई जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालोगे, केआर पे क्या वो पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स का इफेक्ट आएगा कि केई पे आएगा, सोच समझ के जवाब, क्यों केई पे आएगा, क्यों केई पे आएगा, केई लेते बेचते, के आर तो अगेन क्या है एक बुक एंट्री, तो इसपे कोई पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स नहीं लगता है, इसमें पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स लगता है, तो अगर केई में अगेन 21% निकाल दिया बाय ये मॉडल चाहे बाय वो मॉडल, केई एज लर्नड, ठीक है जैसे पढ़े, बट के आर निकालते समय अब क्या करोगे अगेन, जैसे मैं एग्जाम्पल वापस से 21% का केई था, 30% का पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट है, 30% का पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट है, तो बताइए केआर कितना होगा, एक मिनट बाद बताइए केआर कम होगा कि बेसी होगा केई से, पहले ये बताइए कम होगा, क्यों कम होगा, लॉजिकल लॉजिकली बताइए, अरे इसमें एक एक्स्ट्रा टैक्सेशन लग रहा है तो इसमें खर्चा बेसी है, इसमें टैक्सेशन नहीं लग रहा है तो इसमें खर्चा कम, अच्छा टैक्सेशन नहीं लग रहा है तो क्या करूं मैं बोलूं केई से वो टैक्सेशन हटा देते हैं, कैसे हटाओगे, वन माइनस पर्सनल शेयर होल्डर्स
टैक्स रेट, जैसे यहां किए थे 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, एकदम सेम, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ जैसा करते थे वैसा ही इसके साथ करना। के आर हो गया के ई ब्रैकेट में 1 माइनस पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट। क्विक रिवीजन एक बार, सबसे पहले फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है तो डैश विल बी ग्रेटर देन डैश, के ई विल बी ग्रेटर देन के आर। व्हेन देयर इज पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स, के ई विल बी ग्रेटर देन के आर। अगर दोनों ही नहीं है तब तब इक्वल, ध्यान रहेगा ये आपका एमसीक्यू के लिए। मतलब अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो के ई इज ग्रेटर देन के आर, पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट है तो के ई इज ग्रेटर देन के आर। अगर दोनों ही नहीं है तो के ई इज इक्वल टू के आर। और कैसे निकलता है वो इतना काम का नहीं, मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट लॉजिकली समझ में आ रहा है क्यों। एक क्वेश्चन करेंगे 17 और अलविदा कहेंगे। 17 नंबर एकदम सेम टाइप आप चालू कीजिए, इसमें तो बोलिएगा ही मत भैया आपका मदद चाहिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 8, बस आखिरी खत्म करते हैं टॉपिक आज, ये चैप्टर को समाप्त किए। दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। शनिवार को कोई चैप्टर खत्म होता तो हम बहुत खुश होता। सैटरडे है, सैटरडे मतलब गजब। कितने लोग सैटरडे ताश वाश खेलते हैं? एनीवन? कोई ताश नहीं खेलता? जा तुम लोग ताश तो खेलता ही नहीं होगा ऐसे भी नहीं? खेलती है? बहुत बढ़िया, खेला करो, गुड प्रोफेसर। तेरा भाई तो बहुत खेलता है। पढ़े पढ़े एबीसी लिमिटेड विशेष टू रेस कितना फाइनेंस? 20 लाख। वापस से वही 20 लाख में बाइफरकेशन कैसे कैसे है देखिए, तो कितना डेट और कितना इक्विटी, पहले वो पढ़िए, रिटेन अर्निंग छोड़िए, बोलिए 25% डेट 75% इक्विटी। तो डेट हो गया 5 लाख, इक्विटी हो गया 15 लाख। इस 15 लाख में रिटेन अर्निंग्स कितना पड़ा है? 4 लाख। तो न्यू इशू कितना हो गया? न्यू इशू 11 लाख। बोलो इतना समझ में आया? 15 लाख में 4 लाख तो घर पे ही पड़ा है, तो नया कहां इतना मंगाना है? 11 लाख। इस 5 लाख में भी कुछ बोला है क्या? हाँ बोला, 2 लाख तक का खर्चा 10% है, 2 लाख से ऊपर यानी कितना और 3 लाख का खर्चा कितना लगेगा? 13%। तो 10% डेट और एक हो गया 13% डेट, करेक्ट? 10% डेट और एक 13% डेट। EPS दिया है, डिविडेंड पे आउट दिया है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दिया है, करंट मार्केट प्राइस दिया है, कंपनी टैक्स रेट दिया है, शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट दिया है क्या? यानी ये पहला सम्स आया है जब KEKR सेम नहीं होगा। कैलकुलेट पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, पहले KD निकालते हैं, बाकी बात छोड़िए। बताइए 2 लाख का KD कितना? 2 लाख का KD कितना? 10% था ना, ये तो प्री टैक्स है। टैक्स कितना है? टैक्स परसेंट 20 नहीं है, 30 है, 30। कंपनी का टैक्स रेट 30% है, तो 30% हटा दो, केडी कितना हो गया? 7%। कैसे आया समझ में आया? 10% ब्रैकेट में 1 माइनस 30%। अच्छा ये निकालो तो 13 का करो पोस्ट टैक्स, यहाँ इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 13 का 1 माइनस टैक्स। अरे 13 का 30% हटेगा ना, 9.1 आया क्या? आया क्या 9.1? अरे हाँ भी नहीं बोल रहा, आ गया। बट ये दोनों मांगा कि इन दोनों का वेटेड एवरेज मांगा? अभी सीखे वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, ये 2 लाख के लिए, 3 लाख के लिए, तो दोनों का KD बताओ, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज KD बताओ आप लोग जो सम्स मांगा। एकदम सेम चल रहा है भैया, ऐसा तो 3-4 सवाल में हो गया। हाँ तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये।
जल्दी करो, दिस कंप्लीट्स योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पीपी पूरे। आया क्या 8.26? आया क्या 8.26? आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट केडी एंड केई। क्या केडी सॉरी केई एंड केआर, क्या केई और केआर सेम होगा? ओ माय गॉड, इस पहला सम्स में अलग होगा। पहले क्या निकालोगे? केई। पहले क्या निकालोगे? केई। याद है ना, बोला पहले केई निकाल लो, उसके बाद केआर निकाल लेना। केई कैसे निकलेगा? वही घिसा पीटा फॉर्मूला दिया हुआ है, यूज करेंगे। ईपीएस कितना है? ईपीएस कितना है? 12। डिविडेंड पे आउट कितना है? 50%। 12 का आधा 6। क्या D0 पकड़ूं कि D1 पकड़ूं? D0। तो ग्रोथ देना होगा क्या? हाँ। और कितना पे बेच, मार्केट प्राइस कितना है? 6। और ग्रोथ रेट कितना है? 10। तो बताइए KE का फॉर्मूला फटाफट सब कोई। D1 कैसे निकलेगा? 6 into 1.1 divided by 60 plus 0.1 into 100, 21%। तो अपना जो एग्जाम्पल ले रहे थे 21 का, वो सच हो गया, 21% आया। क्या केई 21%? बोलिए केई 21 आया, तो केआर को भी 21 लिखने का इच्छा हो रहा है, लिख दूं? नहीं, बट इस सम्स में अलग होगा। कैसे अलग होगा बताइए? 21% ब्रैकेट में क्या होगा? 1 माइनस पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट यानी 0.2, 20%, 16.8। क्या बोलिए, पहला सम समझ में आया जहां अलग हो रहा है? 16.8%। इजी स्टफ। पार्ट 3 क्या मांगा है? ओवरऑल क्या करे भैया, टेबल बना दीजिए ना। ओके, सोर्सेज क्या क्या सोर्सेज है? एक 10% डिवेंचर है, एक 13% डिवेंचर है, एक रिटेन अर्निंग्स है और एक न्यू इशू है। चार चीज है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, ये 4 लाख है, ये 11 लाख है, टोटल 20 लाख। वेट्स निकाल लोगे? 0.1 ये डेसिमल में आएगा। 3/20 कितना आ रहा है? 15.2। और आखिरी वाला 0.5551। कॉस्ट क्या क्या है? कॉस्ट फटाफट बताइए, पहले वाले का कितना निकला था? 7। इसका 9.1, इसका 16.8 और इसका 21। तो WACC एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। तो एक सम्स होमवर्क है आपका 24, विच इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डू ट्राई। जैसा आपने कहा भैया जल्दी छोड़ दीजिएगा, तो 1 घंटा 14 मिनट पढ़ाया और छोड़ दिया। नहीं, 27 नहीं आएगा कभी भी, एवरेज इनके पार कैसे जा सकता है? 7 और 21 के बीच में आंसर आएगा। 16.9 आ रहा है, 975, तो 98 पकड़ लेते हैं, 16.98। कैसा लगा चैप्टर? इजी, काफी आसान। पता है इसको वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बुलाते हैं,
क्योंकि इसमें 100 एमसीक्यू भी है, प्लस ये सबसे टफ चैप्टर में गिना जाता है। आई एम नॉट जोकिंग, मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये सबसे टफ चैप्टर था। तो वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन आवर करिकुलम। तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे और आसान आसान चैप्टर आने वाले हैं। तो लेट अस गो होम। किसका? 23 का। 23 का आंसर 9.92। टाटा।